सो आप लोगों की आसानी के लिए मैं कुछ VPNs के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो ये तरीका आपने कंप्यूटर से अप्लाई करना है, ठीक है। कंप्यूटर पे आपने ये VPN डाउनलोड करना है, ठीक है। नंबर वन स्टेप, VPN आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। वो VPN डाउनलोड करने के बाद आपने उसको ऑन करना है, ठीक है। सबसे पहले, ठीक है, VPN ऑन करने के बाद आपने कोशिश करना है कि आपने उस ब्राउज़र पे google.com ओपन करना है जिस पे आपने पहले कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। अगर अगर यूज़ कर रहे हैं गूगल क्रोम या फायरफॉक्स, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने क्लीन करना है, हिस्ट्री उसकी क्लीन करनी है, कैश क्लियर करना है, कुकीज़ क्लियर करना है, ठीक है। ये क्लियर करने के बाद आपने हाँ VPN चालू किया हुआ है, ठीक है। उस VPN की सेटिंग में आपने जो लोकेशन है वो यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करना है। यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट करने के बाद आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने लिखने हैं व्हाट इज़ माय IP लोकेशन एड्रेस, ठीक है। ये लिखने के बाद जब आप इंटर करेंगे तो नीचे कुछ लिंक्स आ जाएंगी, उस लिंक्स पे आपने क्लिक करके देखना है कि वो लोकेशन कहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। अगर यूनाइटेड स्टेट यानी USA के किसी भी स्टेट पे अगर वो आपकी लोकेशन शो कर रहा है कि ये आपकी लोकेशन है, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करना है, आपने जीमेल अकाउंट अपने अपना बनाना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप, आपने जीमेल अपना अकाउंट बनाना है, वो आपने कंट्री लोकेशन जो उसमें आपने फॉर्म जीमेल अकाउंट फिल करने के बाद आपने जो अपना कंट्री सेलेक्ट करना है वो USA सेलेक्ट करना है। और अल्टरनेट पे आपने, आपके पास अगर ऑलरेडी आपका जीमेल आईडी है, तो आप अल्टरनेट जो लास्ट सेकंड लास्ट पे आई थिंक मेरे ख्याल में होगा, वो अल्टरनेट पे आपने अपना वो ईमेल डालना है जिस पे आपका वो कोई कन्फर्मेशन लिंक अगर वगैरह हो तो वो उस ईमेल पे आ जाए, ठीक है। तो जीमेल अकाउंट आपका रेडी हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप, आपने VPN चालू रख के ही आपने अपना फेसबुक बनाना है। फेसबुक पे आपने ईमेल वही लगाना है जो आपने नया जीमेल बनाया था, ठीक है, अभी, ठीक है, नया जीमेल बनाया था और उसी पे आपने वो ईमेल लगाना है, अपना फेसबुक उसी ईमेल पे बनाना है और उसी पे सारी इंफॉर्मेशन, ताकि कंफर्मेशन लिंक आपका उसी जीमेल पे आ जाए, ठीक है। और तीसरे स्टेप में जब आप अपना फेसबुक बना देंगे, आपने अपनी ओरिजिनल फ़ोटो लगानी है, ओरिजिनल कवर फ़ोटो लगाना है, अपना फेसबुक जितना भी पीछे इंफॉर्मेशन बायो डाटा जो भी है वो आपने फिल करना है, अपना आर्टिस्ट जो भी है वो आपने फिल करना है, अबाउट सेक्शन में जो कुछ भी है वो आपने फिल करना है, ठीक है। और आपका जो नेम होगा वो आपने अपना ओरिजिनल नेम रखना है अपनी प्रोफाइल पे, ठीक है। और उस पर जो अभी नया सिस्टम आया हुआ है 2017 का, कि आपका इंट्रो क्या है, वो अपने इंट्रो में रखना है कि मेरा सेकंड प्रोफाइल है, पर्सनल प्रोफाइल है। और उस फेसबुक पेज पे आपने USA के कुछ लोग ऐड करने हैं, 3 से 4, ठीक है। अपने कंट्री के कोई भी पर्सन ऐड नहीं करना, USA के पर्सन कोई 3 से 4 ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद आपने वो फेसबुक प्रोफाइल 2 से 3 महीने उसे यूज़ करना है। यूज़ करने के लिए भी आपने VPN लाजम चालू करना है पहले, ठीक है। पहले VPN चालू करना है, फिर आपने जीमेल अकाउंट खोलना है, अगर ईमेल चेक करनी है तो, और फेसबुक यूज़ करना है तो आपने VPN चालू करके USA सेलेक्ट करके फिर आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल यूज़ करना है, ठीक है। ये 2 से 3 महीने आपने लाजम यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका पेज है, आपके नाम का जो पेज है, उसकी भी बायो डाटा एंट्री वगैरह, बैकग्राउंड, आपका URL जो है वो यूनिक हो, ये ना हो किसी का नाम अगर है, मतलब इमरान अहमद किसी का नाम है फॉर एग्जांपल, तो जो ऊपर लिंक है www.facebook.com उस पे पाकिस्तान लिखा हो, या किसी कंट्री या किसी और चीज़ का नाम हो, तो कोशिश कीजिए उस पे भी facebook.com/इमरान अहमद ही हो, और डिस्प्ले नेम पे भी इमरान अहमद भी हो। अगर डिस्प्ले नेम पे वो चाह रहा है कि अपना वो इंटरनेट नाम या स्टेज नेम चाह रहा है, जैसे मेरा मैक्स ऑर्डन स्टेज नेम है और मैंने इरफान शाह भी लिखा हुआ साथ में, तो मैक्स ऑर्डन मेरा स्टेज नेम मैंने लिखा है और मेरे URL पे भी मैंने मैक्स ऑर्डन इरफान शाह लिखा है, ठीक है। तो ये चीज़ मेन है। और आपने अपनी लोकेशन वहाँ पे देनी है, अगर आप लोकेशन देना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये आपने फेसबुक प्रोफाइल और गूगल जीमेल, ये आपने 2 से 3 महीने यूज़ करने के बाद, ठीक है, यूज़ करने के बाद फोर स्टेप क्या है, वो है आपने गूगल पे सर्च करना है
फेसबुक वेरिफिकेशन फॉर्म, ठीक है, वो आपने गूगल पे सर्च करेंगे तो 2 से 3 नीचे लिंक आ जाएगा। बहरहाल मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जिनको अगर लिंक नहीं मिला, तो VPN चालू करके ही वो आपने सर्च करना है। आपने अपना VPN चालू करके आपने Gmail खोलना है, अपना नया फेसबुक खोलना है जो आपने USA पे बनाया है। लोकेशन सारे सब USA पे कोई भी होना चाहिए, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया वगैरह, इस तरह की। फेसबुक पे भी जब आप अपना एड्रेस डालेंगे वो आपका USA का होना चाहिए, ठीक है। फोर्थ नंबर पे जब आप वो फॉर्म ओपन कर लेंगे आपका फॉर्म आ जाएगा। क्यों? आपकी सारी लोकेशन जो ब्राउज़र पे आपने चेक की होगी वो सारी लोकेशन आपकी USA की होगी, USA के किसी भी स्टेट की होगी, ताकि उस पर कन्फर्म हो फेसबुक कि आपने 3 महीने फेसबुक अपना USA कंट्री में यूज़ किया था, और Gmail भी USA कंट्री में यूज़ किया था, और इसी तरह ये ब्राउज़र गूगल क्रोम भी आप 3 महीने से USA में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म के भी दोबारा से 4 स्टेप हैं, वही 4 स्टेप जो आपको मैंने बताए हैं। नंबर 1, हाँ, इससे पहले आपने जो नया फेसबुक जो आपने USA का बनाया है उस पर जो आपका फेसबुक पेज होगा, ठीक है, वो आपने उसका एडमिन बनाना है अपने USA के पेज पे, ठीक है, ताकि आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हो। तो वो फॉर्म ओपन करना है, फॉर्म पे उस जो आपका नया फेसबुक होगा उस पर आपने फॉर्म, वो आपका ओपन हो जाएगा। उस फेसबुक से आपने प्रोफाइल USA के फेसबुक प्रोफाइल से आपने अपना पेज सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे ऑफिशियल गवर्नमेंट ID आपने देनी है, ठीक है, वो आपने पासपोर्ट देना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कुछ डिस्क्रिप्शन आपने देनी है कि आपने अपने पेज क्यों वेरीफाइड करवा रहे हैं, आप क्या हैं, न्यूज़ एंकर हैं, एक्टर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, डांसर हैं, क्या हैं, वो आपने देना है। और उसके बाद आपने अपना वेबसाइट ज़रूर बनाना है, क्योंकि इस टाइम पे वेबसाइट लाजमी है। वेबसाइट ना हो तो थोड़ा सा ये जो फॉर्म फिल करने का केस जो होता है ये थोड़ा सा वीक हो जाता है। वेबसाइट अगर होगी अच्छी ना हो ज़्यादा, बस आपकी डिटेल हो जाए, बायोग्राफी हो जाए उस पर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो जाए, कुछ आपकी वीडियो, कुछ आपके काम वर्क जो भी हैं, आप इंटरटेनमेंट में जो भी आप कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, तो आपका प्रूव होना चाहिए। आपकी गूगल पे भी अगर आप अपनी वेबसाइट सर्च करेंगे तो 2-3 लिंक इस तरह आपके आए, तो आपका समझने आकर आपका पेज आसानी से वेरीफाइड हो सकता है। तो ये 2 प्रोसीजर थे दिन के, 4 स्टेप मैंने आपको बता दिए। तो ये फॉर्म आपने फिल करना है और इस तरह आपने उसको सबमिट कर देना है। तो आपने इंतज़ार करना है कि कब अभी रिप्लाई आएगा। अभी मेरा तो 1 साल के बाद आया, ठीक है, अभी आपका पता नहीं कभी आएगा, ठीक है। पहले नए नए टाइम पे तो 1 हफ्ते के बाद वो रिप्लाई कर देते थे, अभी काफ़ी टाइम ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो अपना पेज वेरीफाइड कर रहे हैं आस्ते आस्ते, ठीक है। तो फेसबुक पर्सन जो होता है उसने सिर्फ ये चेक करना होता है कि आपकी आइडेंटिटी जो है वो ओरिजिनल है, ठीक है, आपका जो काम है ओरिजिनल है, जिस नाम से आप चल रहे हैं। क्या हम गूगल पे सर्च करेंगे या कोई आम आदमी आपको गूगल पे सर्च करेगा तो आपके वो लिंक्स आ जाएंगे नीचे या नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो गाइस, ये था फेसबुक वेरिफिकेशन सेकंड जो ऑप्शन था वो इस तरह का आपको मैंने बताया। मैंने जो किया था वो ऑफिशियली मैंने दुबई में उस वक्त किया था, दुबई में उस वक्त फॉर्म अवेलेबल था, तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, तो 1 साल के बाद मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि आपका पेज वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये इलीगल भी है, अगर ट्रैक हो गया आपका लोकेशन तो आपको फॉर्म अवेलेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वक्त सिर्फ USA के किसी न किसी स्टेट पे वो फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी आपने अपना नया जो Gmail और Facebook यूज़ करना है वो कोशिश करना VPN चला के आपने ये यूज़ करना है। मैं आपको VPN का और Facebook फॉर्म का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आपने उसी टाइम पे चेक करना है जब आपने 2 से 3 महीने अपना Facebook और Gmail अकाउंट यूज़ किया होगा, तब आप ये फॉर्म आप कर सकते हैं। और मेन रीज़न जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आपका सोशल मीडिया पे कुछ थोड़ा बहुत आपकी सिटी में ही सही कुछ थोड़ा बहुत नाम होना चाहिए, ज़्यादा पॉपुलर ज़्यादा फेमस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा नाम भी हो जाए, कुछ वीडियोस हो जाए, आपके काम शो हो जाए, लोग आपको थोड़े कुछ ना कुछ जानते हो, 10-20 भी हो जाए कोई मसला नहीं है। मैंने देखा है 300-400-700 पेज लाइक्स पे भी फेसबुक पेज वेरीफाइड हुए हैं। वो क्या हुए हैं? इसी वजह से हुए हैं, उसने अपना काम पकड़ा है। और उसका नाम आप चेक करेंगे गूगल पे तो काफ़ी सारे लिंक्स उसके नाम के, उसने कहाँ कहाँ पे वीडियो पोस्ट की है, कहाँ कहाँ पे उसका लिंक शेयर है, उसके लिंक्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेरा नाम
गूगल पे चेक करेंगे तो आपको हज़ारों लिंक्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये था इसके प्रोसीजर कैसे वेरीफाइड होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत मदद मिलेगी इस वीडियो से। तो प्लीज़ ये वो लोग ना अप्लाई करें जो अभी बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में। ठीक है, तो कुछ टाइम लगाएं अपनी फील्ड में, मेहनत करें कुछ थोड़ा बहुत अपनी सिटी में ही, कुछ अपना नाम, कुछ अपने लिंक्स बना दें ताकि आइडेंटिफिकेशन जो फेसबुक का आदमी करेगा वो उसके लिए आसानी हो जाए थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, तो ये था प्रोसीजर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह कुछ आपको अगर क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या मुझे फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ पूछना चाह रहे हैं नहीं अगर आपको समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था फेसबुक वेरीफाइड का प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को भी आसानी हो जाएगी, कोई इस पर यानी वो चीज़ नहीं है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, बिल्कुल आसान सा है जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है। नंबर वन स्टेप, जिन कंट्री में फॉर्म अवेलेबल नहीं है वो VPN यूज़ करके फेसबुक 2 से 3 महीने चला के आपने करना है। कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू वॉच माई व्लॉग्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।